नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि फैट लॉस के लिए कितना कार्डियो ज़रूरी है, वजन कम करने के लिए कम से कम कितना कार्डियो ज़रूरी है। जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कार्डियो करो ही अगर आपको वजन कम करना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए जो क्या जिम में घंटों घंटों कार्डियो करते रहते हैं कि वजन कम करना है, खुद को कोसते रहते हैं कि मेहनत कर, जितना कर रहे हैं उसके लिए परेशान रहते हैं और फिर खुद को समझाते रहते हैं मेहनत कर, उफत जाते हैं, छोड़ देते हैं, ट्रेडमिल पे लगातार दौड़ते रहते हैं, दिख रहा है शक्ल पे कि परेशान हो रहे हैं फिर भी दौड़े जा रहे हैं, वो अपनी जो कसरत कर रहे हैं उसको एंजॉय नहीं कर रहे, उनको मज़ा ही नहीं आ रहा, वो बस करने के लिए कर रहे हैं कि वजन कम करना, पतला होना है, और फिर क्रॉस ट्रेनर पे लगे हुए हैं, साइकिल चलाए जा रहे, परेशान हो रहे हैं, अपनी कसरत को एंजॉय नहीं कर पा रहे। उनको समझाने के लिए ये है कि भाई कार्डियो बिल्कुल भी नहीं करोगे ना तब भी वजन कम हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, फैट लॉस अच्छे से हो जाएगा। मैंने इस बारे में बात करी ही है कि वेट ट्रेनिंग और कार्डियो में से वेट ट्रेनिंग से वजन कम करने के ज़्यादा फायदे कैसे हो सकते हैं, पुराने वीडियोज में तुम वहाँ जाके देख सकते हो। तो अब बात आई कि फैट लॉस करने के लिए कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम करना चाहो तुम्हारी इच्छा है, मना नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, और तुम बिना एंजॉय करे अपनी कार्डियो कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तब तो तुम वेट ट्रेनिंग करो। तो फैट लॉस फिर कैसे होएगा? फैट लॉस होएगा कैलोरी डेफिसिट में रहने से और साथ में कैलोरी डेफिसिट में सही खाना खाने से। मैं अगर किसी को कैलोरी डेफिसिट के बारे में नहीं पता तो मैं पिछले वीडियोज में बात कर चुका हूँ, वहाँ पर जाकर के तुम देख सकते हो। कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो वजन कम होगा, लेकिन वजन में मसल भी तो कम हो सकती है अगर तुम सही खाना नहीं खाओगे, फिर खाना छोड़ ही दिया, कैलोरी डेफिसिट तो वो भी है, मेंटेनेंस कैलोरी से तब भी कम खा रहे हो, लेकिन उसमें मसल भी तो जा सकती है ना। तो कैलोरी डेफिसिट में रहना और सही खाना खाने से तुम्हारी मसल बचेगी और फैट कम होएगा। अच्छा, तो कैलोरी डेफिसिट कैसे बनाया जा सकता है? दो तरीके हैं, सिर्फ खाना कम खाना चालू कर दो या खाना कम खाओ और साथ में एक्सरसाइज करो। तो खाली खाना कम करने से और एक्सरसाइज के बिना खाना कम करने के नुकसान है। नुकसान ये है कि एक तो तुम्हारा शरीर मशीन है, वो चल नहीं रहा है। दूसरा ये है कि अगर तुम कसरत करते हो तो कसरत में तुम कई कैलोरी खर्च कर रहे हो, तो तुम उसके बदले में खा भी सकते हो, तो जिससे तुम्हारे शरीर को पोषण ज़्यादा मिल सकता है। तो जब तुम कसरत कर रहे हो तो एक तो तुम्हारा शरीर जो मशीन है वो चल रहा है, वो कुछ ना कुछ करता रह रहा है, और दूसरा उसको ज़्यादा पोषण मिल सकता है। इसलिए खाली खाना कम करना और एक्सरसाइज नहीं करके वजन कम करना ठीक नहीं है। कसरत करो, सही खाना खाओ, कैलोरी डेफिसिट में रहो, ये सही है। और ऐसा भी नहीं है कसरत कर रहे हो और बहुत कम खाना खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कसरत कौन सी? कसरत कोई सी भी कर सकते हो तुम, कुछ नहीं से अच्छा कुछ भी करो। पर मैं ये कहूँगा कि वेट ट्रेनिंग जो है, जो कि हम जिम में वजन उठा करके करते हैं, वो अपने आप में अच्छी इसलिए है क्योंकि वजन तो कम होगा, फैट तो कम होगा, लेकिन वेट ट्रेनिंग करोगे तो साथ साथ मसल भी आ सकती है बॉडी में, तो और फायदा है। एक तो फैट भी कम हो रहा है और मसल भी आ सकती है। वही अगर आप दौड़ते रहोगे तो आपकी बॉडी में कोई खास मसल आएगी नहीं, थोड़ी बहुत अगर आ गई क्योंकि आपकी मसल हिल रही है, थोड़ी बहुत अगर मसल अडेप्टेशन हो गया तो बात अलग है, वरना कोई खास मसल आएगी नहीं दौड़ने, साइकिल वगैरह चलाने में या क्रॉस ट्रेनर करने में। वेट ट्रेनिंग से काफ़ी मसल आ सकती है। तो इससे हमें समझ आ गया, कार्डियो करे बिना भी हम फैट लॉस कर सकते हैं, कार्डियो की हमें कोई जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इच्छा से करना चाहते हो, करने की इच्छा होती है, मज़ा आता है दौड़ने भागने में, तो तुम्हारी इच्छा है, कोई मना नहीं है, करो, कसरत करना अच्छी बात है। पर ये उन लोगों के लिए जो जिम में फितूर लेकर के जाते हैं, जिनके दिमाग में, जिनके ट्रेनर्स ये फितूर भर देते हैं कि अच्छा अच्छा मैडम आपको वजन कम करना है, मैडम वहाँ पे आप ट्रेडमिल पे दौड़ना चालू कर दो, वहाँ पे वॉकिंग चालू कर दो, ये उन लोगों के मन से फितूर निकालने के लिए कि वो जिम के ट्रेनर आपको गलत बता रहे हैं कि अगर आपको वजन कम करना है तो वहाँ ट्रेडमिल पे दौड़ो, साइकिल चलाओ, और वजन बढ़ाना है तो जाकर के वजन उठाओ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वजन उठा करके भी वजन कम कर सकते हो, आप वेट ट्रेनिंग करके डंबल उठा करके भी वजन कम कर सकते हो। तो जबरदस्ती अपनी ज़िंदगी को कोसो मत, वहाँ पे घंटों घंटों कार्डियो कर करके परेशान मत हो, उसकी ज़रूरत नहीं, उसके बिना भी तुम वजन कम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो और बिना परेशान हुए कर सकते हो। तो खुद को कोसना बंद करो,
अगर कार्डियो करना पसंद है करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर पसंद नहीं है तो करने की जरूरत नहीं, वेट ट्रेनिंग करो, ठीक है। तो हमें जवाब मिल गया कि वजन कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए कितना कार्डियो करना जरूरी है, कम से कम कुछ भी नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही वजन कम हो सकता है। मैं आप लोगों को कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग हैं, मैं जो जिम में देखता हूँ बहुत लोग हैं जो कार्डियो कर करके परेशान होते रहते हैं, कई कई महीनों तक परेशान होते रहते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता तो छोड़ देते हैं। उन लोगों के दिमाग से फितूर निकालो, उनके दिमाग से वहम निकालो, उनको बताओ कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, और खुद भी मत करो ऐसा, लोगों तक बात पहुँचाओ। मैं तुम्हें कहूँगा, अगर तुम्हें ये बात सही लगती है और अच्छी लगती है तो अगर वीडियो पसंद आता लाइक करो, कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ लो, और चैनल पसंद आता सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।